देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। 2022 इलेक्शन में क्या है जनपद फारुखाबाद जनता की राय? जब हमारे संवाददाता ने 2022 इलेक्शन को लेकर जनता से बात की तो जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपचंद दीक्षित, आप देख रहे हैं सीएमएन चैनल आपके अक्टिवा। इस समय में सलेमपुर गाँव में विधानसभा फारुखाबाद सदर पड़ती है। अब आज हम पूछेंगे कि जनता से कि किसको वोट देंगे, यानी तो हमारे साथ में भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। अच्छा ये बताइए आपके ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है? हमारे 5 साल पिछले जो वर्ष बीत गए उसमें तो एक बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। अब जो इस टाइम मौजूदा हालत में हरिचंद्र रोगा जी प्रधान है, अभी तक एक पैसे का काम नहीं कराया हमारे गाँव में। ये बताओ आपके जो विधायक हैं उनका नाम क्या है? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। तो अब की बार आप किसको वोट देंगे? वोट तो हम बीजेपी में देंगे। क्या फायदा है वोट? वोट अगर काम होगा तो भी देंगे बीजेपी में, नहीं काम होगा तो भी बीजेपी में देंगे। अगर विकास नहीं होगा फिर भी आप वोट देंगे? हाँ बीजेपी में देंगे। हमारे साथ और भी भैया मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? संतरा। जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, बीजेपी, तो आप किसको वोट देंगे? जो गली बनवा दी वोट भाग दिया ना, वोट रान नहीं है आधे। आप वोट किसी नहीं जाता गाँव में विकास नहीं देंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेन सिंह। अच्छा ये बताइए अब की बार किसको चुने? जैसे अखिलेश आ रहे हैं, अब की बार हम ऐसा करेंगे, हम 20 आदमी अपने करेंगे, एक भी पोलिंग पर वोट नहीं डालन नहीं देंगे। क्यों नहीं डालोगे? इसलिए कि हमारे गांव की समस्या हल नहीं हुई। आपके गांव की समस्या हल नहीं हो रही है? हाँ, कांग्रेस भी आ रही है अपना और बसपा भी आ रही है, भाजपा भी आ रही है, लेकिन वोट आप किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम 20 आदमी यहाँ करके पोलिंग पर अपने गांव को वोट एक भी डाल नहीं देंगे। वोट मांगा। और भी भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है? कड़ेर की नगर है। अच्छा अग्रवाल जी को चुनेंगे? जो गांव विकास करे भाई चुने, हमने तो किसी को वोट नहीं दिए। किसी को नहीं भाई साहब, वोट का नहीं दिए किसी को। वोट नहीं अरे 20 आदमी चुन ले, लाठी लेके जा रहे हैं, लाठी लेके वोट नहीं गांव। अच्छा आज की बार किसको वोट करेंगे? आज की बार किसको वोट करेंगे? हम किसी को नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे आप? जो हमारे गली नहीं बनी तब है। अच्छा आपके गाँव में गली नहीं बनी इसलिए आप वोट नहीं करेंगे? हाँ पूरे गाँव नहीं, आगे पास नहीं देंगे। विधायक है, ये कौन है विधायक? वो है पंडित जी, मेजर है। हाँ। अच्छा भैया आप भी बताएं, इनसे भी भैया से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन चैनल आपके हक के। इस समय फरुखाबाद के विधानसभा में सदर में पड़ती है, उसमें मौजूद हैं और हम बात करेंगे आपके जो जनता है उससे बात की है। तो जनता का कहना है कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है इसीलिए हम मतदान नहीं करेंगे। यानी कई पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं विकास के नाम पे, लेकिन बीजेपी की विकास के नाम पे दावा कर रही है, लेकिन जनता की क्या हालत है उसको देखने के लिए मैं मौजूद हूँ। और जनता से पूछा तो जनता ने यही बताया है कि हमारे गांव में जब तक विकास नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, सपा हो या बीजेपी हो, यानी आखिर विधायक मौजूदा विधायक जो हैं मेजर सुरेंद्र दत्त द्विवेदी जी हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ ग्राम पंचायत में कोई भी विकास नहीं कराया। इसीलिए जनता का यही कहना है कि विकास जब तक नहीं होगा तब तक मैं वोट किसी पार्टी को नहीं करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।